इसराइली फोर्स की दहशतगर्दी जारी। ताज़ा फायरिंग में दो फलस्तीनी जाँ बहक, दोनों शहदा की नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए लोग। इसराइल जल्द बना लेगा 4 एटम बम, पूरा मवाद मौजूद। रिटायर इसराइली आर्मी चीफ का दावा, कहा ईरान पर हमलों के लिए बनाए गए थे 3 प्लान्स। यूक्रेन जंग में रूस ने फिर किया एक और शहर सोलिदर पर कब्जे का दावा, कुमक लाइन कट हो जाने का अंदेशा, सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों रूसी फंदे में फंस सकते हैं। नफरत फैलाने वाले न्यूज एंकर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा तकसीम करने वाले एंकरों को टीवी से हटा दिया जाना चाहिए। चलती ट्रेन में मुस्लिम शख्स को जय श्री राम न कहने पर हिंदुत्ववादी शर पसंदों ने पीटा, वायरल हुआ वीडियो। वारिस पठान ने कहा इन गुंडों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर। और राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कुछ ताकतें एक दूसरे को मजहब, जात, लैंग्वेज के नाम पर लड़ा रही हैं।